पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और इसलिए जब हम यहाँ आ रहे थे तब अचानक शहर के बाहर क्या हो रहा था? क्या हुआ पापा? वो हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जरा देख लीजिए। मैं देखता हूँ। नताशा, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है बेटा, वो तुम्हारा वहम रहा होगा। लेकिन पापा, जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? क्या पता, शायद कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। हे भगवान, अब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा, मैं उसको लेकर आता हूँ। से लॉक कर लो अंदर से। हाय रिया। हाय नताशा, कहां तक पहुंची? अरे अभी तक गाड़ी में क्यों है? हमारी गाड़ी खराब हो गई तो पापा मैकेनिक को लेने गए। सच पूछो तो। हेलो रिया, हेलो, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं गाड़ी से बाहर निकल के बात करूं। नताशा। हाँ जी। कहाँ जा रही हो? वो मॉम, नेटवर्क नहीं है फोन में। देखो नताशा, ये जगह मुझे बहुत सुनसान लग रही है, इसलिए गाड़ी से ज्यादा दूर मत जाना, गाड़ी के पास ही रहना, ठीक है? रिया एक मिनट, हाँ मैं नेटवर्क में आ रही हूँ। हेलो हेलो रिया, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, जड़ों ने आपका पैर जकड़ लिया था? जी डॉक्टर, ये उसी के निशान। चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप इनको फॉलो कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर वीरेन, क्या कोई और तकलीफ या कंप्लेंट्स हैं मिस नताशा की हेल्थ को लेके? कोई नई या पुरानी प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या यहाँ शिफ्ट होने से खुश थी वो? नॉट रियली, बहुत अपसेट थी, अपने दोस्तों को छोड़कर आना नहीं चाहती, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया को। मुझे लगता है कि नताशा को हाई एंजाइटी है, जिसकी वजह से उन्हें ये शायद पैनिक अटैक आया था। पैनिक अटैक? हाँ, मैंने एंजाइटी कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी लिखी है, लेकिन आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है। Thank you. Oh.
ये आवाज कहाँ से आ रही है? नताशा, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। नताशा, मैंने पूछा कौन है वहां? नताशा, नताशा, यह आवाज तो रिया की लग रही है। रिया, रिया कहां हो तुम? रिया, क्यों नहीं रही? सब शुरू हो गया है, अब तुम ही मरोगी। नताशा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं पापा, रिया वहीं पर, उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। बेटा, वो तुम्हारा बहन था। नहीं पापा, और ये दरवाजा भी खुला हुआ था। नताशा, ये दरवाजा बंद है, देखो बंद है दरवाजा। नहीं पापा, ये दरवाजा खुला, मैंने अपनी आंखों से नहीं करी। नताशा, तुमने कोई बुरा सपना देखा हो? काफी रात होगी, चलो आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। आओ। नहीं पापा, वो मेरी बात मानो। अब सब शुरू हो गया। अब सब शुरू हो गया है, अब तुम ही मरोगी। नताशा, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं? पापा,
मैंने जो रात को देखा वो सब सपना नहीं था, वो सच था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो रिया ही थी। मैं सच कह रही हूँ पापा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो अच्छा, पहले तुम खुद को संभालो। हम ऐसा करते हैं, अभी रिया को फोन लगा। हेलो हेलो रिया बेटा, मैं नताशा का पापा बोल रहा हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक बात बताओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर बात क्या है, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। वो दरअसल नताशा को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें फोन कर। ओके बाय अंकल। ओके ओके, होगी तसल्ली? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर। बाय पापा। बाय बेटा। नताशा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आई एम फाइन। वो रात में नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए हेडेक हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। नताशा, नताशा,
प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज नताशा मुझे बचा लो। रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आशा, ये क्या कर रही हो तुम? सोनिया, वो मेरी फ्रेंड रिया ना, वो उसकी आवाज इसके अंदर से आ रही है। नताशा, नताशा शांत हो जाओ, काम डाउन, यहाँ कोई नहीं है। नताशा प्लीज शांत हो जाओ। नताशा क्या हो गया बेटा, और ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? चलो आओ इधर बैठो, बैठो आराम से। क्या हुआ नताशा? नताशा बेटा, यू ओके? सोनिया थैंक्स सो मच नताशा को सही सलामत घर लाने के लिए और हमें फोन पर इन्फॉर्म करने के लिए। इट्स ओके अंकल। अंकल वो फोन पे जो मैंने आपको नहीं बताया था वो ये है। इसी को खोद कर निकाला था नताशा ने जमीन से। क्या है? और इसका क्या मतलब है? Anyways, thanks once again, sorry. कोई बात नहीं अंकल, बस आप नताशा का ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय नताशा, अपना ध्यान रखना। अब समझ में आया कि मेरी बेटी का मूड अपसेट क्यों है। दरअसल हमने बहुत दिनों से ना कोई शॉपिंग नहीं की। ऐसा करते हैं, आज हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। आज तुम्हें जो शॉपिंग करनी है ना वो तुम खरीद सकती हो। आज तो तुमने बहुत सारी शॉपिंग की। बिल्कुल, एंजॉय किया कि नहीं ये बताओ, और भी करना है? ममता, हाँ? मैं शॉप से होकर आता हूँ। जी बस दो मिनट लगेंगे। हम भी चलते हैं ना, घर के लिए कुछ सामान ले लेंगे। चलो ओके। हाँ?
एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, नीचे आ जाइए बेसमेंट में। ममता, तुम लोग देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आता हो, मैं दो मिनट बाद। जी। हेलो, मैं वीरेन। मुझे आपसे कुछ पूछना था मिस माया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माया जी, जस्ट अ सेकंड। माया जी, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल ये मेरी बेटी नताशा को जमीन में गड़ा हुआ मिला। वीरेन, हेलो। हेलो, हम लोग आपका कब से ऊपर इंतजार कर रहे हैं, अब घर चलें? बस चलते, दो मिनट। वो माया जी यहां की ओनर है। माया जी, आई एम सॉरी, नताशा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलो अब घर चलो। ममता, ले चलो इसे। चलो। मिस्टर वीरेन। जी कहिए। मिस्टर वीरेन, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है इस बच्ची के साथ। क्या मतलब? मैं महसूस कर सकती हूँ कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर, और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए, नहीं तो वो अंदर ही अंदर से निगल जाएगा इस मासूम बच्ची को। ये कैसी बातें कर रही हैं? कुछ भी कहे चली जा रही। माना कि मेरी बेटी से गलती हुई है, लेकिन आपको उसके बारे में ऐसे कहने का कोई हक नहीं। कैसा फील कर रही हो? आई एम फाइन नाउ, पहले से काफी बेटर फील कर रही हूं। कुछ दिनों से तुम्हारे स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर सब बहुत चिंता में। पापा, पापा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है।
जब से हम लोग यहाँ पर आए सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। पापा पापा मुझे तो लगता है कि ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है। मुझे अब वो मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं वो मेडिसिन नहीं ले सकती। ओके, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, बस तुम कुछ देर आराम करो, ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं ना, और वैसे भी मिड टर्म में ज्वाइन करने की वजह से मैं क्लास में काफी पीछे हूँ। ठीक है, मैंने तो ये टाइप ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बचाओ! मरोगी, मरोगी! बचाओ! 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 पापा, 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 पापा मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। पापा, पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझसे नहीं बच सकती, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं सकता। तुझे अब मरना ही होगा। मुझे मत मारो। ये निशान कैसा? पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह तक तो कोई निशान नहीं था। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूं। डॉक्टर साहब को छोड़ो, I am sorry. Natasha? मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। नताशा को क्या हो गया? बेटा उठो। नताशा, वीरेन कुछ करो ना, हम अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। वीरेन, ममता, मैं भी नताशा को इस तरह देखकर खुश नहीं हूँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा, और लेकिन मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगू? कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर, और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए। अभी वही हमारी मदद कर सकती है। ममता, तुम आओ, आओ मेरे साथ, तुम जल्दी। आइए माया जी, यही नताशा का कमरा है, आइए।
नताशा! नताशा, ये खून! नताशा! रुकिए, रुकिए, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों अंदर नहीं आएंगे। माया जी, प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, उसे बचा दीजिए, प्लीज। नताशा, 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 कौन हो तुम? क्यों इस मासूम बच्ची के शरीर में घर कर रखा है? ये नहीं बचेगी, कोई नहीं बचा सकता इसे, तू भी नहीं। क्या हुआ भाई जी, मेरी बेटी नताशा ठीक तो है ना? देखिए, पहले आप शांत हो जाइए। एक ताकतवर आत्मा ने नताशा के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माँ जी, प्लीज प्लीज, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। वो निशान जो मैंने नताशा के हाथ पर देखा है, उस निशान को मैं पहचानती हूँ। यहाँ पहले भी इस तरह से कई सारी मौतें हुई हैं, लेकिन वो सब एक ही खानदान के थे, अलग अलग पीढ़ियों से। करीब 20-25 साल का फर्क था सबके बीच। लेकिन इस सबसे मेरी बेटी का क्या लेना देना? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब नताशा के ही साथ क्यों हो रहा है, और इसका जवाब एक इंसान दे सकता है। इस निशान को पहचानते हैं? ये निशान तुमने किसके हाथ में देखा? ये निशान मेरी बेटी के हाथ में, और मैं उसको खोना नहीं चाहता। तुम्हारी बेटी मेरी पोती है, और तुम मेरे बेटे हो। आज से कई सालों पहले मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया था। हमारे खानदान पे एक बुरी आत्मा का साया है, जो हमारे खानदान के हर बारिश को खत्म कर देती है। मैं जानता हूँ, इसकी शुरुआत मेरे ही पूर्वजों ने की थी। मैंने कहा था तुझे, और प्यार से समझाया भी था कि मुझसे शादी कर ले। कहा था ना, हाँ, कि अगर तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी, और तूने फिर भी शादी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या हाल करूंगा तेरा और तेरे इस पति का। माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हमें। जाएगी तू जरूर, लेकिन पहले तेरी आंखों के सामने से तेरा पति जाएगा। नहीं, नहीं, माफ कर दीजिए हमें। नहीं, नहीं।
कसम है मुझे मेरे बेटे और बहू की औलाद को खोने का क्या गम होता है, ये तुझे जरूर पता चलेगा। तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। सालों साल तेरे खानदान के हर वंश मेल के 21 साल पूरा होने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तब से लेकर आज तक वो बुरी आत्मा हमारे खानदान के एक एक वारिस को खत्म करती चली आ रही है। अब कोई तो रास्ता होगा। हाँ हाँ, उसका यहां से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना मकान है, शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। आज अमावस्या की रात है। अगर आज हमने 12 बजे से पहले उस निशानी को खत्म कर दिया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जी बाजी। वीरे, वीरे, मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, आपने जो कुछ भी किया हमारी सुरक्षा के लिए किया, आप भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपकी पोती को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्रेम जी, हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है, आप यहां देखिए, मैं वहां देखती हूं। ठीक है। माया जी, अगर वो चीज हमें मिल भी गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसके बहुत करीब था? पता चल जाएगा वीरेन जी। माया जी, हाँ? यहां तो कुछ भी नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा वीरेन जी जो उस आत्मा के बहुत करीब होगा। ये हार देख रहे हैं वीरेन जी, यही वो हार है जिसने इस आत्मा को अब तक इस धरती से बांध के रखा हुआ है। चलिए वीरेन जी, हमें जल्दी से स्टोर पहुंचकर इस हार को जलाना होगा। हाँ चलिए। चलिए। हमें जल्दी कर। हाँ। तो ताला लगा। मैं चाबी लेके आती हूँ। ये लीजिए, जला दीजिए इसे। ये क्या? लगता है वो आने वाली है। वीरेन जी जल्दी कीजिए, जलाइए इसे जल्दी। वीरेन जी, आप इस हार को निकाल के जल्दी से जला दीजिए, मैं इसे रोकती हूँ। जी, जी मैं। तू मुझे रोकेगी? तू मुझे रोकेगी? कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब सब मरोगे।
सदियों से तुम्हारा खानदान मुझसे हारता आया है। तुझे क्या लगा था तू बचा लेगा अपनी बेटी को मुझसे? प्लीज मुझे मार कर अपना बदला ले लो, लेकिन लेकिन प्लीज मेरी 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 बेटी की जान मार। नहीं बचेगी वो, नहीं बचेगी वो। उस हार को जल्दी से आग लगा। देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। पापा नताशा, पापा पापा उठिए पापा।